यदि आप अष्ट लक्ष्मी नव निधि कुबेर को प्रसन्न करना चाहते हैं, लक्ष्मी को बढ़ाना चाहते हैं, तो ये दीपावली भाग्यशाली अवसर हो सकता है आपके लिए। जोधपुर के पंडित श्रीमाली जी द्वारा निर्मित अष्ट लक्ष्मी नव निधि कुबेर कलश प्राप्त करके आप अष्ट लक्ष्मी का आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं। इस कलश में आपको दीपावली पर स्थापित करने के लिए लक्ष्मी चरण पादुका, दक्षिणावर्त शंख जैसी दिव्य अनेक वस्तुएं मिलेंगी और दीपावली पूजन के लिए पारद लक्ष्मी कुबेर गणेश प्रतिमा, संपूर्ण महालक्ष्मी यंत्र जैसी दिव्य अनेक वस्तुएं मिलेंगी और घर की महिलाओं के पूजन के लिए नाग केशर और पंच धातु की डिब्बी, रक्त गुंजा, गोमती चक्र जैसी दिव्य अनेक वस्तुएं मिलेंगी और घर के मुखिया के लिए स्फटिक श्री यंत्र पेंडल और ब्रेसलेट भी मिलेंगे। ये कलश आप घर बैठे ही प्राप्त कर सकते हैं। आप हमारे इन नंबरों पर संपर्क करें 02912621625। नमस्कार, मैं हूं मोहित श्रीमाली। आपका स्वागत करता हूं मेरे नए एपिसोड में, मेरे चैनल खेल ग्रहों का में, अर्थात गेम ऑफ प्लैनेट्स में। पिछले कुछ समय से मैं अंक ज्योतिष अर्थात न्यूमरोलॉजी के बारे में बात कर रहा हूं। एक नया सिलसिला मैंने शुरू किया है न्यूमरोलॉजी से राशिफल बताने का। इसी कड़ी में आज बारी है अक्टूबर में जन्मे जातकों की। सबसे पहले जिन व्यक्तियों का जन्म इस समय काल के बीच में हुआ है, उन्हें मेरी पूरी टीम और चैनल की तरफ से जन्मदिन की और उज्जवल भविष्य की बहुत बहुत शुभकामनाएं। अंकों का एक विशेष क्रम है, उनकी गति सुनिश्चित है और उनका कार्य योजनाबद्ध है। इसका मूल आधार अंक है। 1 से 9 तक के अंक विशेष महत्व रखते हैं। वैज्ञानिकों के अनुसार भी अंक का शोध सबसे पहले भारत में ही हुआ था और शून्य की खोज करते हुए भारत ने गणित के क्षेत्र में एक आश्चर्यजनक परिवर्तन ला दिया था, क्योंकि इस शून्य ने बहुत बड़ी बड़ी संख्याओं से पिंड छुड़ा दिया और हम बड़ी से बड़ी संख्या को भी संक्षेप में लिख सके। भारतीय महर्षियों के अनुसार भी 1 से 9 तक के अंकों में विशेष विद्युत प्रवाह होता है और इनका जब भी उपयोग किया जाता है तब एक विशेष प्रकार की चुंबकीय यानी कि मैग्नेटिक शक्ति पैदा होती है जो आसपास के वातावरण को भी मैग्नेटिक बना देती है। सबसे पहले हम बात करें अक्टूबर में जन्मे जातकों की, तो आपका व्यक्तित्व यानी कि कैरेक्टर कैसा है। इस माह में जन्मे जातक यानी कि व्यक्तियों के चरित्र में विविधता मिलती है, परंतु सभी मुख्य रूप से भौतिक कार्यों से जुड़े रहते हैं। यदि आप इस माह में जन्मे हैं तो आप भी अपनी बुद्धि का पूरा उपयोग करेंगे, हर बात को तर्क करेंगे, किसी भी विषय पर अपने निश्चित विचार बनाए रहेंगे। एक बार किसी काम का निश्चय कर लेने पर उसे किसी भी कीमत पर पूरा करके ही छोड़ेंगे। अपने सामने आने वाले हर तथ्य पर तर्क को अपनी बुद्धि पर तोल कर ही स्वीकार करेंगे। भाषा पर आपका अच्छा अधिकार होगा या आप थोड़े लेकिन प्रभावी शब्दों से अपनी बात कहेंगे। दोनों ही परिस्थितियों में भाषा आपके लिए विशेष महत्वपूर्ण रहेगी। सामान्यतः जनजीवन से जुड़े यानी कि फॉरेस्ट या लाइफ जिसे हम बोलते हैं जनजीवन, फॉरेस्ट लाइफ से जुड़े कार्यों में अधिक रुचि लेंगे आप। इसका कारण वातावरण तथा साथी नागरिकों को लाभ पहुंचाने की मंशा भी होगी। आप में से अधिकतर व्यक्ति कानून का ज्ञान प्राप्त करना पसंद करेंगे। तर्की क्षमता के कारण आप अच्छे वकील बन सकते हैं यानी कि लॉयर। नए कानूनों का प्रतिपादन कर सकते हैं तथा इस विषय पर अच्छे लिख भी सकते हैं। आप में से कई अपना पूरा जीवन किसी अध्ययन विशेष अथवा शोध कार्य में लगा देंगे। आप में से कुछ श्रेष्ठतम वैज्ञानिक तथा चिकित्सा बन सकते हैं। आपने अपने लिए विशिष्ट स्थान बनाएंगे। अपनाए हुए कार्यक्षेत्र में आप सभी पूरी तरह डूबकर कार्य करेंगे। आप सभी अपने वातावरण के प्रति विशेष संवेदनशील हैं यानी कि सेंसिटिव हैं। वातावरण सही नहीं होने पर हताशा व बीमार हो जाते हैं। आप सभी स्वभाव से शांत प्रिय हैं, झगड़ों से दूर रहते हैं तथा शांति बनाए रखने का प्रयास करते हैं। कहीं पर अगर आप झगड़ा होता हुआ देख भी लेते हैं तो आप उसको जितनी जल्दी हो सके रोकने की कोशिश करते हैं, या कोई आपको झगड़े के लिए उतावला हो रहा हो, आपको झगड़े के लिए प्रोत्साहित कर रहा हो, तो आप उससे दूर होकर के दूर हटना ज़्यादा पसंद करते हैं।
आप सभी सफाई पसंद हैं, यानी कि क्लीनलीनेस फ्रीक हैं, चीज़ों को व्यवस्थित रूप में देखने की पसंद करते हैं। आपके हिसाब से हर चीज़ का एक सही जगह होती है, हर सही जगह के लिए एक सही चीज़ होती है। अपने पहनावे व दिखावे के प्रति विशेष ध्यान देते हैं, परंतु इसके लिए महंगे कपड़ों का सहारा नहीं लेते, आप स्मार्ट शॉपिंग करते हैं। सितारों की स्थिति को द्वारा आपकी प्रवृत्ति विविधता तथा जटिलता लिए हुए हैं, साथ ही स्वभाव में निराशा तथा उग्रता का भी समावेश है। आपका स्वभाव बहुरूढ़ी है, आप इसे व्यर्थ ही विविध तरीकों से करते हैं। आपके चरित्र का आधार उच्च आदर्श तथा ऊंचे नैतिक मापदंड है। आप अपने विचारों तथा कार्यों में सकारात्मक तथा दृढ़ हैं। अपनी गजब की अंतर्दृष्टि को तर्क शक्ति के नीचे दबाए रखते हैं, ठोस सबूत के बिना किसी तथ्य को स्वीकार नहीं करते। आप अपने प्रेम व स्नेह का प्रदर्शन नहीं करते, इन मामलों में भी विश्लेषण तथा तर्क का सहारा लेते हैं। दूसरों के उद्देश्यों के बारे में संदेह रखते हैं। आप ये भूल जाते हैं कि प्रेम माइक्रोस्कोप में नहीं देखा जा सकता। इस प्रवृत्ति के कारण आप अकेले निराश व हताश बने रहते हैं। सामान्यतः आप सभी को पर्याप्त लोकप्रियता मिलती है तथा कई मित्र भी बनते हैं। उसके साथ ही आप अपने से सीमित रहना पसंद रखते हैं। धन के प्रति आपके मन में मोह नहीं है, अतः सट्टेबाजी तथा अंधाधुन कार्य से सदैव दूर रहेंगे। आप एक सही लाइफ, एक फिट लाइफ जीना पसंद करते हैं। जैसे कि आज की तारीख में सबके सब कोई रैट रेस में फंस रखे हैं लोग, आप उनके जैसे नहीं हैं। आप लाइफ को लाइफ की तरह जीना पसंद करेंगे। आप सौंदर्यपूर्ण परिस्थितियों में रहना पसंद करते हैं। वातावरण आप पर विशेष प्रभाव डालता है। आपका मानसिक तथा शारीरिक स्वास्थ्य इन परिस्थितियों पर विशेष रूप से निर्भर करता है। कला के प्रति आपका प्रेम अधिक मुखर होकर सामने आता है। संगीत तथा कला के प्रति विशेष रुझान बना रहेगा तथा इनमें दक्षता की भी प्राप्ति होगी। आप अध्ययनशील, खोजी तथा शोध कार्यों में रुचि लेने वाले हैं। शिक्षा के क्षेत्र में आपको विशेष सम्मान प्राप्त होगा। आप वर्तमान में जीने वाले हैं, अतः अतीत और भविष्य की चिंताएं आपको नहीं सताएगी। प्रेम और स्नेह अथवा कर्तव्य पूर्ति के लिए कोई भी बलिदान करने से कभी नहीं हिचकिचाएंगे आप। सामान्यतः आप सभी को किसी बीमार तथा बूढ़े संबंधी की सेवा करनी पड़ेगी। ऐसी जिम्मेदारी न होने पर शीघ्र विवाह कर लेंगे। विवाह के द्वारा किसी जीवन साथी अथवा बच्चे की सेवा करने की जिम्मेदारी आ पड़ेगी। दोनों ही परिस्थितियों में अपनी महत्वाकांक्षाओं को पूरा समय नहीं दे पाएंगे। बात करें आपकी फाइनेंशियल हेल्थ की, यानी कि आपकी आर्थिक स्थिति की, तो इस संबंध में अनेक जाने माने व्यक्ति इस माह में पैदा हुए हैं, परंतु अत्यधिक धन कमा लेने के बाद भी बड़ी उम्र के लिए धन बचा नहीं पा सके। 1 अक्टूबर को जन्मी थियोसॉफिकल सोसाइटी की प्रमुख डॉक्टर एनी बेसेंट, मैं श्योर हूँ आपने इनका नाम जरूर सुना होगा, एक अन्य विशिष्ट उदाहरण है। इन्हें भी ऊंचा पद, सम्मान तथा लोकप्रियता मिली जरूर, परंतु अधिक धन प्राप्त नहीं हो सका। ऐसा नहीं है कि इस माह में जन्मे लोग धन न कमा पाए। धन तो मिलता ही है, परंतु उसे सहेज कर रख पाना प्रवृत्ति आपकी नहीं है। मैं आशा करता हूँ शायद ये एपिसोड जो आप देख रहे हैं अक्टूबर में जन्मे जातक, इससे कोई सीख लेंगे और ज़रूर ध्यान रखेंगे जो भी आप कमा रहे हैं उसको सेविंग कैसे करें। बात की जाए आपकी हेल्थ की, तो आप सभी स्वास्थ्य व सफाई के प्रति विशेष ध्यान रखेंगे। संतुलन बनाए रखने के कारण बड़ी बीमारी से दूर रहेंगे। परिस्थितिवश अधिक कार्य करने व अधिक भावुक होने का स्वास्थ्य पर तुरंत प्रभाव पड़ता है। आपकी किडनी अत्यंत संवेदनशील है। अधिक दबाव व तनाव की स्थिति के लक्षण सर्वप्रथम यही से प्रकट होते हैं। आप में शारीरिक ऊर्जा अधिक नहीं है, फिर भी बीमारी से तुरंत निकलने की क्षमता बनी रहेगी। आपके लिए पर्याप्त ताज़ी हवा अति आवश्यक है। जहाँ तक संभव हो सादा जीवन व सादा खाना पानी ही अपनाएं। विवाह संबंध तथा साझेदारी की अगर बात की जाए तो आपका सर्वश्रेष्ठ संबंध 21 सितंबर से 20 अक्टूबर यानी कि 21 सितंबर से 20 अक्टूबर, 21 मई से 20 जून तथा 21 जनवरी से 19 फरवरी और इनके आरंभ व अंत में आने वाले 7 दिनों में जन्मे लोगों से बनेंगे। आपका आकर्षण 21 मार्च से 30 अप्रैल के बीच जन्मे व्यक्तियों के प्रति बहुत ज़्यादा अच्छा होगा। तो आइए बात करते हैं मूलांक 1 की, यानी कि जिनका अक्टूबर महीने के अंदर 1st को, 10th को, 19th को और 28th को बर्थ हुआ है, यानी कि 1 तारीख, 10 तारीख,
19 तारीख और 28 तारीख को। बात की जाए आपके व्यक्तित्व की, तो आपके व्यक्तित्व में मजबूत गुण हैं, अधिक उभर कर सामने आते हैं। सितारों की स्थिति के कारण चरित्र में विविधता बनी रहेगी, फिर भी दुनिया में महत्व तथा लोकप्रियता पाने में आप सफल रहेंगे। व्यक्तिगत गुणों के विकास के लिए लाभकारी अवसर प्राप्त होंगे। आप स्वभाव से न्यायप्रिय हैं, यानी कि जो भी आदमी न्याय को पसंद करे, संतुलन बनाए रखना पसंद करते हैं आप। अपने निकट वातावरण में शांति व सौंदर्य की स्थापना करने का प्रयास करते हैं। आप प्रवृत्ति से शांति दूत हैं, पीस लविंग इंसान हैं। किसी प्रकार के युद्ध अथवा खून खराबे को पसंद नहीं करते, केवल न्याय के लिए बाध्य होने पर ही युद्ध में कूदते हैं आप। सदैव प्रेम तथा स्नेह पाने का प्रयास करते रहेंगे। इस राह पर चलते हुए बलिदान भी करेंगे, फिर भी कभी पर्याप्त संतोष नहीं मिल पाएगा। आपके पास कई महत्वाकांक्षाएं हैं, परंतु अत्यधिक विरोध के कारण उन्हें पूरा करने में बाधाएं आएंगी। न्याय के प्रति विशेष प्रेम होने पर कानून की पढ़ाई भी आप जरूर करेंगे। अच्छे वकील अथवा जज के रूप में मान्यता व सम्मान भी आपको मिल सकता है। राजनीति में भी सफल हो सकते हैं आप। राजनीतिक जीवन में भी आपका प्रवेश न्याय व कानून की बेहतरी के लिए ही होगा, यानी कि जो भी कानून और जातक हैं, कचरा हटाने में सबसे बेस्ट होंगे आप। आसपास में राजनीति के अंदर जो लोग खराब हैं, उन्हें उखाड़ फेंकने में आप जरूर सफल रहेंगे। उद्देश्य सामने होने पर चिकित्सा अथवा सभी प्रकार के शोध कार्य में विशेष सफलता प्राप्त कर पाएंगे। प्राप्त किए तथ्यों को तुरंत सामने लाने की प्रवृत्ति के द्वारा अनेक शत्रु बना लेंगे। जो व्यक्ति आपका दृष्टिकोण नहीं समझ पाएगा, आपसे दूर हो जाएगा। अपनाने के लिए अनेक कैरियर आपके लिए उपलब्ध हैं। आपकी अगर फाइनेंशियल हेल्थ की बात की जाए, तो आपकी बौद्धिक कार्यों से धन लाभ होने की संभावना अधिक है। रूटीन अथवा सामान्य कार्यों के अपेक्षा अपनी महत्वाकांक्षाओं पर कार्य करते हुए अधिक धन अर्जित कर पाएंगे आप। धन कमाने के पीछे व्यक्तिगत स्वार्थ की अपेक्षा कर्तव्य निर्वाह की भावना अधिक रहेगी। आपकी हेल्थ की बात की जाए, यानी कि आपके स्वास्थ्य की, तो आपका स्वास्थ्य सामान्य से अधिक अच्छा रहेगा। जब तक कार्य करते रहेंगे, स्वस्थ रहेंगे। जैसे ही आप खाली बैठने पर बीमारियां पकड़ लेंगे। सामान्यतः बीमारियों की अपेक्षा दुर्घटनाओं से अधिक खतरा है। दुर्घटना में सिर व कंधों पर चोट लगने का खतरा अधिक है। पेट व आंतों की ऑपरेशन से भी गुजरना पड़ सकता है आपको। आपके लिए अगर मैं महत्वपूर्ण अंक बोलूं, तो 1 तथा 6 हैं। आपके लिए महत्वपूर्ण यानी कि इम्पॉर्टेंट डेट्स किसी भी ईयर की, किसी भी महीने की अगर बात की जाए, 1st, 6th, 10th, 15th, 19th, 24th और 28th है। आपके जीवन में 4, 8 तथा 9 व इनसे संबंधित श्रेणियों के अंक भी आते रहेंगे, परंतु ये आपके लिए अनुकूल साबित नहीं होंगे। अपने व्यक्तित्व को प्रभावशाली बनाने तथा सौभाग्य वृद्धि के लिए आप पीला, सुनहरा, नारंगी और सुनहरा भूरा और स्लेटी रंग जरूर यूज कर सकते हैं। ये आपके लिए लकी साबित होंगे। आपके लिए सौभाग्यशाली अगर रत्न बोला जाए, तो हीरा, टोपाज, एम्बर और नीलम है। आपके जीवन की महत्वपूर्ण वर्ष कौन से हैं, ये आप जरूर देख सकते हैं मेरे साइड में। आपके लिए आकर्षण वर्ष किसी भी माह के 1, 4, 6, 8, 10, 13, 15, 17, 19, 22, 24, 26, 28 और 31 हैं। आइए अब बात करते हैं मूलांक 2, यानी कि जो भी व्यक्ति 2 तारीख को, 11 तारीख को, 20 और 29 अक्टूबर को पैदा हुए हैं, यानी कि 2nd ऑफ अक्टूबर, 11th, 20th और 29th ऑफ अक्टूबर। सबसे पहले अगर बात की जाए, तो आपके व्यक्तित्व की बात करते हैं। आप अपने कैरियर में विशेष रूप से सफलता पाएंगे। आपात स्थितियों में आपकी अंतर्दृष्टि गजब का काम करेगी। अपनी योजनाओं का निष्कर्ष देख पाने की अद्भुत क्षमता आपके अंदर प्राप्त है। फलस्वरूप प्रत्येक विरोध के बाद आप अपनी जो प्लानिंग करते हैं, उसको ज़रूर एक्शन में ला पाएंगे और जो भी आप गोल सेट करते हैं, उसको ज़रूर अचीव कर पाएंगे। स्वभाव से आप अधिक संवेदनशील हैं तथा आलोचनाएं यानी कि कोई भी क्रिटिसिज्म आप दिल ले बैठते हैं, परंतु आपात परिस्थिति में आपकी प्रवृत्ति के मजबूत पहलू उभर कर सामने आते हैं। अपने लिए महत्वपूर्ण मुद्दों का निर्धारण सोच समझ कर करें।
दूसरों के विचारों का प्रभाव अपनी सोच पर न पड़ने दें, इन्फ्लुएंस ना हो किसी भी इंसान से। आपके मूड में लगातार बदलाव आते रहेंगे, आपको अक्सर हताशा घेर लेती है, अपनी कार्य क्षमता पर संदेह न करें। प्रेम व स्नेह की बुक सदा बनी रहेगी, परंतु आपकी अति संवेदनशीलता तथा आलोचनात्मक प्रवृत्ति आड़े आएगी, इसी कारण आप अनेक अच्छे अवसर खो बैठेंगे। 29 सितंबर में पैदा हुए लोगों का विपरीत सेक्स वालों पर काफ़ी प्रभाव पड़ता है। इनका जीवन अनेक प्रेम प्रसंगों से भरा रहेगा, यात्रा तथा सुंदर देशों के प्रति आकर्षण भी बना रहेगा। मेजरली अगर इनका देखा जाए तो कोस्टल एरियाज यानी कि कोस्टल कंट्रीज़ में ये ज़्यादा पाए जाएंगे। यात्रा के दौरान डूबने तथा अन्य दुर्घटनाओं से खतरा ज़रूर बना रहेगा, इसका आपको बहुत ज़्यादा ख्याल रखने की ज़रूरत है। आप सभी प्राकृतिक रूप से संगीत, कला, कविता तथा अन्य ललित कलाओं की अच्छी समझ रखते हैं। इन क्षेत्रों से जुड़ा करियर अपनाने से आपके प्रयासों को पर्याप्त सफलता प्राप्त होगी। पुरुष हो अथवा स्त्री, आप सभी में अच्छे कपड़े तथा लग्जरी की ओर झुकाव जरूर रहेगा। 20 अक्टूबर को पैदा हुए व्यक्ति अपेक्षाकृत अधिक आत्मविश्वासी होंगे। 19 अक्टूबर को पैदा हुए व्यक्तियों को आत्मविश्वास उनसे भी बढ़कर होगा, साथ ही उन्हें कला, साहित्य, संगीत अथवा नाटक में भारी सफलता मिलने का संभावना है। ऑब्वियसली होनी भी चाहिए, क्योंकि सबसे पहले किसी भी स्टेज एक्टर को कॉन्फिडेंस लाना सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, जो कि आप सभी के अंदर बहुत है। बात की जाए आपकी फाइनेंशियल हेल्थ की, तो इस संबंध में आप भाग्यशाली ही रहेंगे। केवल धोखेबाजी से सावधान रहने का प्रयास करें। कारोबार अथवा निम्न कार्य आपको पसंद नहीं आएंगे। कल्पना पर आधारित कार्य अथवा आपात स्थिति में अपने गुणों के अच्छे प्रदर्शन द्वारा धन कमाने में अधिक सफल रहेंगे। परिस्थितियां अनुकूल होने पर आप विदेश यात्राएं जरूर करेंगे, विदेश से संबंधित कामों में अधिक सफलता भी पाएंगे। बात की जाए आपके स्वास्थ्य यानी हेल्थ की, तो जीवन के प्रारंभिक वर्षों में शारीरिक रूप से अधिक शक्तिशाली नहीं होंगे, बौद्धिक रूप से अधिक कार्यशील रहेंगे, अपने सपनों को वास्तविकता के रूप में देखेंगे। कमर व रीढ़ की हड्डी में अजीब सी कमजोरी बनी रहेगी, पर जैसे कि मैंने आपको बताया, ये जो भी प्रॉब्लम्स है, जो फिजिकल में आपको प्रॉब्लम बता रहा हूँ, ये अर्ली एज में रहेगी। जैसे जैसे आप बड़े हुए हैं, चांसेस हैं कि जो भी आपने एक्टिविटीज़ की हैं, स्पोर्ट्स खेले हैं या योग करते हैं या जिम जाते हैं, उसकी वजह से आपकी बॉडी आज की तारीख में काफ़ी ज़्यादा टोन्ड अप होगी। इसी कारण आपको सर्दी जुखाम जल्दी नहीं पकड़ पाएंगे। सावधानी न बरतने पर गला, फेफड़े, नाक तथा कानों में तकलीफ ज़रूर हो सकती है। आपके लिए महत्वपूर्ण अंक तथा तिथि 2 और 7 व इनकी श्रेणियाँ हैं। अपने सभी महत्वपूर्ण कार्य योजनाओं का प्रारंभ तथा मुलाकातें वर्ष के किसी भी दिन, कोई भी वर्ष हो, कोई भी मंथ हो, पर डेज जो है, डेट्स हैं, वो ये होनी चाहिए: 2nd, 7th, 11th, 16th, 20th, 25th और 29th। आप 4, 8 और 9 और इनकी श्रेणियों से सावधान ज़रूर रहें। अपने व्यक्तित्व को प्रभावशाली बनाने तथा सौभाग्य वृद्धि के लिए आपको ग्रीन, क्रीम, सफ़ेद, नीला तथा बदकी स्लेटी रंग ज़रूर अपनाना चाहिए। यह आपके लिए बहुत ही ज़्यादा लकी साबित होगा। आपके लिए सौभाग्यशाली रत्न अगर बोला जाए तो हरा जेड, मोती, मूनस्टोन, टोपाज, एम्बर और टर्कोइज है। आपके जीवन के महत्वपूर्ण वर्ष जो कि हैं, वो आपको साइड स्ट्रिप में ज़रूर दिखाई देंगे। आपका आकर्षण वर्ष के किसी भी माह में 2, 7, 11, 16, 20, 25 तथा 29 को पैदा हुए लोगों के प्रति अधिक होगा। आपके वैकल्पिक अंक 1 से 4 की श्रेणी में जन्मे लोग भी आपके जीवन तथा कैरियर पर काफ़ी प्रभाव डालेंगे। तो आइए अब हम बात कर रहे हैं अंक 3 की, यानी कि 3rd, 12th, 21st, 30th अक्टूबर को जो पैदा हुए हैं। वापस बताता हूँ, 3 तारीख, 12 तारीख, 21 और 30 तारीख पे जो भी व्यक्ति पैदा हुए हैं, हम बात कर रहे हैं आपकी। अक्टूबर माह में जन्मे व्यक्तियों के लिए मजबूत गुण आपके संदर्भ में अधिक उभर कर सामने आएंगे। ऊंची महत्वाकांक्षा, दृढ़ इच्छा शक्ति, तत्ता तथा पक्का इरादा आपके चरित्र की मुख्य विशेषताएं होगी। सितारों की स्थिति बहुत अच्छी है, परिणाम स्वरूप जिस काम में भी आप हाथ डालेंगे अच्छी सफलता ही मिलेगी।
ऊंची महत्वाकांक्षा के कारण छोटी सफलता संतुष्ट नहीं कर पाएगी। आप अपने साथियों के मुकाबले अधिक प्रगति करेंगे, ऊंचे पद प्राप्त करेंगे, साथ ही मानवता की सेवा के लिए अनेक प्रयास करते रहेंगे। अपने प्रत्येक कार्य को संजीदगी तथा लग्न के साथ करेंगे। आप न्याय के पक्षधर हैं, परोपकारी व जन कल्याण के कार्यों में बढ़ चढ़कर भाग लेंगे। अपनी सेवाएं तथा धनजन संस्थान, अस्पताल अथवा अनाथ आश्रम को देने के लिए सदैव तत्पर रहेंगे। आप व्यक्तियों की अपेक्षा संस्थाओं को धन देना अधिक पसंद करेंगे। पारिवारिक सदस्यों के प्रति भी अति उदारता की भावना बनी रहेगी। शर्त यह है कि वो लोग आपकी बताई सलाह पर अमल करें। मूर्ख व दुराचारी लोगों को पसंद नहीं करते हैं आप, उनकी एक बार से अधिक मदद भी नहीं करते। किसी भी इंसान को सिर्फ एक ही मौका देते हैं, अगर वो उस पर गलत है तो आप उसकी सहायता करने के लिए जिम्मेदार नहीं रहते। आप न्यायप्रिय भी हैं, आवश्यकता पड़े तो सख्त भी हो सकते हैं, किसी को भी गलत फायदा उठाने नहीं देते आप। ऊंचे पद पर आसीन व्यक्तियों से आसानी से मित्रता कर लेंगे। धार्मिक संस्थाओं, कानून अथवा सरकारी विभागों के लिए महत्वपूर्ण व्यक्तियों से जान पहचान आपकी ज़रूर होगी। आपका झुकाव कानून व अनुशासन के मामलों में विशेष रूप से सख्त है, परंतु अपने कर्मचारियों के लिए यानी कि आपके सर्वेंट्स के लिए और आपके स्टाफ के लिए आप अच्छे मालिक साबित होंगे। आपका घरेलू तथा वैवाहिक जीवन प्रसन्नतापूर्वक गुजरेगा तथा बच्चों से भी सुख मिलेगा। जीवन में अनेक बार प्रतिद्वंदियों यानी कि आपके कॉम्पिटिटर्स आपकी सम्मान यानी कि आपकी इमेज को खराब करने की, आपके इमेज को अटैक करने की कोशिश करेंगे, परंतु आप इनकी परवाह न करते हुए अपने उद्देश्य प्राप्त के मार्ग पर चलते रहेंगे। 21 अक्टूबर को जो पैदा हुए हैं उन व्यक्तियों का घरेलू जीवन अपेक्षाकृत कम संतोषजनक रहेगा। 30 अक्टूबर को पैदा हुए व्यक्ति भौतिक सफलता के मामले में अधिक भाग्यशाली रहेंगे। आपकी अगर आर्थिक स्थिति यानी कि फाइनेंशियल हेल्थ की अगर बात की जाए तो आप सामान्यतः कारोबार यानी कि बिजनेस, उद्योग अथवा फाइनेंस में भाग्यशाली रहेंगे। संबंधित आपके संबंधी और मित्रों से आपको लाभ प्राप्त जरूर होगा। विपरीत सेक्स यानी कि ऑपोजिट सेक्स अथवा विवाह द्वारा भी अर्थ लाभ जरूर मिलेगा। अगर आपके हेल्थ की बात की जाए तो प्रारंभिक वर्षों में स्वास्थ्य लगातार अच्छा ही रहेगा। उम्र का 21वां यानी कि 21st ईयर आपके स्वास्थ्य के लिए बहुत ज़्यादा विशेष मोड़ साबित हो सकता है। इसके लिए सबसे पहले जो भी आप जानते हैं जो कि नंबर 3 के अंदर आते हैं, अक्टूबर के अंदर जो मैंने आपको डेट्स बताई उस पर आते हैं और 21 ईयर के होने वाले, तो उनका खास ख्याल रखिएगा क्योंकि यही साल है जहाँ पे मोटर कार, रेल तथा यातायात के साधनों से दुर्घटनाओं का खतरा उन पे बहुत ज़्यादा गहरा मंडरा रहा है। आपके लिए महत्वपूर्ण अंक 3 तथा 6 हैं और इनकी श्रेणियाँ हैं। अपने सभी महत्वपूर्ण कार्य कोई भी साल के कोई भी महीने के अंदर, डेट्स ये ज़रूर ध्यान रखिएगा, 3rd को, 6th को, 12th, 15th, 21st, 25th और 30th को ही करें। आपके जीवन में 8 तथा 9 की श्रेणियां भी आती रहेंगी, परंतु ये अप्रसन्नता ही लाएंगी। अपने व्यक्तित्व को प्रभावशाली बनाने के लिए जो मैं आपको रंग बता रहा हूँ वो ज़रूर आप अपनी ज़िंदगी में यूज़ करना। चमकीला गुलाबी, बैंगनी तथा नीले रंगों के सभी शेड्स। एमेथिस्ट और टर्कोजी आपके लिए बहुत ही ज़्यादा लकी रत्न है। ये की अगर बात की जाए महत्वपूर्ण वर्ष की तो आप साइड में देख ही सकते हैं, स्ट्रिप के अंदर आ रहे होंगे। आपका आकर्षण वर्ष के किसी भी माह में अथवा 6 की श्रेणियों में पैदा हुए व्यक्तियों के प्रति अधिक होगा। ये तिथियां हैं 3, 6, 12, 15, 21, 24 और 30। तो ये तो हुई बात नंबर 3 की। तो आइए अब बात करते हैं 4 नंबर के बारे में यानी कि मूलांक 4। अगर आपका डेट ऑफ बर्थ 4 अक्टूबर, 13 अक्टूबर व 22 अक्टूबर को हुआ है तो मैं आपकी बात कर रहा हूँ। सबसे पहले अगर बात की जाए आपके व्यक्तित्व की तो आपका जीवन अनएक्सपेक्टेड प्रवृत्ति का ही होगा। आपको अनेक परिवर्तन तथा अनएक्सपेक्टेड घटनाओं का सामना अपनी ज़िंदगी में करना पड़ सकता है। इन घटनाओं का यानी कि एक्सीडेंट्स और इंसिडेंट्स का आपकी कोई नियंत्रण नहीं होगा। अगर लव के बारे में और मैरिज के बारे में अगर बात की जाए तो इस संबंध में भी आपको अनएक्सपेक्टेड इंसिडेंट्स और एक्सपीरियंसेस ही मिलेंगे। आपका मेजर अट्रैक्शन अजीब व साइको लोगों के साथ में ज़्यादा होगा। अब साइको यहाँ पे अगर बोलने से क्रिएटिव ट्रेन ऑफ थॉट वाले लोगों की बात कर रहा हूँ मैं। इनका संबंध आपके लिए लाभदायक साबित नहीं हो सकता। यदि आप किसी को
बहुत ज्यादा पसंद करेंगे तो उसके प्रति कोई भी आलोचना आपका संबंध नहीं तोड़वा पाएगी। आप इन संबंधों के प्रति जिद्दी रुख अपनाएंगे। इसी कारण आपके फैमिली और फैमिली मेंबर्स आपका विरोध भी करेंगे और आपके ऊपर बहुत ज्यादा रेगुलेशन भी लगाएंगे। अपने इन संबंधों के कारण त्रासदीपूर्ण व दुखद अनुभवों से भी गुजरना आपको पड़ सकता है। स्कैंडल्स, बदनामी और अफवाहों का सामना आपको करना पड़ेगा। बेहतर होगा कि सतर्कता बरतें, अपने मित्रों के कार्यकलापों का ध्यान रखें, तभी आप आवश्यकता पड़ने पर सफाई दे सकेंगे। आपके विचार गैर परंपरावादी होंगे, इनमें सतर्कता का पुट शामिल रहेगा। आप में साहित्य तथा कला के माध्यम से अभिव्यक्ति का प्राकृतिक गुण विद्यमान है। आप गुण का उपयोग कर सकते हैं। अब अगर बात की जाए आपके फाइनेंशियल हेल्थ के बारे में, यानी कि आपकी आर्थिक स्थिति के बारे में, तो क्या जानना चाहिए? धन अर्जन के संबंध में कई बाधाएं व कठिनाइयों का पार करना पड़ेगा आपको। इसका मतलब यह है कि मेजर जो आपकी जिंदगी के अंदर देखा जाएगा, कभी भी धन अर्जन करना यानी कि धन एक्वायर करना इतना ज्यादा इजी नहीं होगा। इसका कारण माता पिता का निर्धन होना अथवा धन न देना अथवा गलत पेशे का चुनना भी हो सकता है। फिर भी 22 और तथा 31 अक्टूबर को पैदा हुए व्यक्ति अपेक्षाकृत अधिक सरल रहेंगे। वो ज्यादा इजीली धन कमा पाएंगे। केवल एक ही खतरा है कि वे जीवन में उत्तरार्थ के लिए अधिक धन बचाकर नहीं रख पाएंगे, यानी कि ओल्ड एज के लिए जो सेविंग्स होती है वो नहीं कर पाएंगे। अंतिम समय बेहद तकलीफ भरा हो सकता है। इस संबंध में सारा बर्नार्ड का उदाहरण उल्लेखनीय है। इस प्रसिद्ध अभिनेत्री ने अपना जीवन अत्यंत निर्धनता में आरंभ किया, परिश्रम से सफलता तथा भारी धन अर्जित किया, परंतु जीवन के अंतिम वर्ष फिर भी से अत्यंत निर्धनता से ही गुजारा। बात की जाए आपके स्वास्थ्य की, यानी कि आपके हेल्थ की, आपकी सबसे बड़ी जमा पूंजी की, तो 4th और 13th अक्टूबर को पैदा हुए लोगों का अचानक कोई असामान्य बीमारी घेर ले सकती है। इन्हें गले, नाक, चेहरे तथा आंतरिक अंगों पर सर्जरी से भी गुजरना पड़ सकता है। 22nd और 31st अक्टूबर को जो पैदा हुए व्यक्ति हैं तथा उनका प्रारंभिक वर्ष में नाजुक बने रहेंगे। 31 वर्ष की आयु के बाद रोगों के प्रति अच्छी प्रतिरोधक क्षमता का विकास हो जाएगा, यानी कि आपका इम्यून सिस्टम 31 ईयर्स के बाद में अगर देखा जाए, यानी कि जब आप 31 ईयर्स ओल्ड हो चुके होंगे, उसके बाद में आपका इम्यून सिस्टम काफी स्ट्रांग रहेगा। आपके लिए महत्वपूर्ण अंक 4 तथा 8 व इनकी श्रेणियां हैं। आपके लिए महत्वपूर्ण तिथियां वर्ष के किसी भी माह में, यानी कि डेट्स जो मैं आपको बता रहा हूं, कोई भी मंथ हो, कोई भी ईयर हो, उसमें ये डेट्स आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। 4th, 8th, 13th, 17th, 22nd, 26th, 31st, परंतु तथा 4 और 8 की श्रेणियां इनमें से कार्यों के लिए अधिक अनुकूल नहीं रहेंगी। आपके लिए बेहतर होगा कि 1 तथा 6 की श्रेणियों के अंकों अपनाएं। ये तिथियां हैं 1, 6, 10, 15, 19, 24 और 28। इन अंकों व तिथियों को अपनाने आपके लिए अधिक भाग्यशाली साबित हो सकता है। अपने सौभाग्य वृद्धि के लिए, यानी कि अपना लक और ज्यादा मल्टीप्लाई करने के लिए, दुगना करने के लिए, आपको जो मैं रंग बता रहा हूं वो जरूर यूज करने चाहिए। सुनहरी, पीला, नारंगी, सुनहरी भूरा तथा नीले रंग के सभी शेड्स। आपके लिए सौभाग्यशाली रत्न अगर बोला जाए तो टोपाज, हीरा और टर्कोइज है। आपके जीवन के महत्वपूर्ण वर्ष जो हैं वो आपको साइड में डिस्प्ले हो रहे हैं अभी। इन वर्षों में ऐसे अनेक घटनाएं हो सकती है जिनमें आपका नियंत्रण नहीं होगा। आपका आकर्षण वर्ष के किसी भी माह में 4 माह तथा 8 की श्रेणियों में पैदा हुए व्यक्तियों के प्रति अधिक होगा। ये तिथियां हैं 4, 8, 13, 17, 22, 26 तथा 31। ये तो हुई अंक 4 की बात, तो आइए अब बात करते हैं अंक 5 यानी कि नंबर 5 की। अगर आपका डेट ऑफ बर्थ भी 5th, 14th या 23rd अक्टूबर को है तो हम बात कर रहे हैं आपके लिए। सबसे पहले अगर बात की जाए आपके व्यक्तित्व की, तो सितारों की स्थिति के इफेक्ट से आपका कैरेक्टर स्ट्रांग है। शनि इन तिथियों में अपने हाइट पर है और स्नेहपूर्ण संबंधों में कई अनफोर्सिंग डिफिकल्टी से गुजरना पड़ सकता है। जीवन के मेजर पार्ट में अपनी ड्यूटीज के लिए सैक्रिफाइस करते रहेंगे आप। ये सैक्रिफाइस अपने पेरेंट्स या किसी संबंधी की देखभाल के कारण पड़ सकता है, जिसकी वजह से आप अपनी प्लानिंग और एम्बिशंस पर ध्यान नहीं दे पाएंगे। अपने मन में हमेशा यह दुख बना रहेगा कि आप
अपने एबिलिटीज का पूरा उपयोग नहीं कर पा रहे। यदि आपका काम करने का फ्रीडम मिले तो अवसरों का पूरा लाभ उठा पाएंगे आप। आपकी पर्सनालिटी ट्रेट के सबसे बड़े पार्ट वेल बिहेव्ड या कहा जाए ऑर्डरली है। आपका स्वभाव दयालु तथा एम्पैथेटिक है। साथ ही व्यवहारिक दृष्टिकोण और तर्कसंगत जस्टिस करने की एबिलिटी भी बनी रहेगी। आप ऊपरी तौर पर शांत रहेंगे, परंतु अधिकार व सम्मान के संबंध में आपके आदर्श बहुत ऊंचे हैं। अपने आसपास के लोगों को शांति पहुंचाने का कार्य करते रहेंगे। बेसिक इंस्टिंक्ट की अगर बात की जाए तो फाइट और फ्लाइट में आप हमेशा फ्लाइट चूज करेंगे, यानी कि जब अगर देखा जाए झगड़ा करना या वहां से भाग जाना तो आप सबसे पहले चूज करेंगे भाग जाना, क्योंकि एक अकलमंद की सबसे बड़ी पहली पहचान यही है, जहां से हो सके जहां तक हो सके टालना किसी झगड़े को सबसे बेस्ट है। सभी प्रकार की लड़ाई झगड़ों से दूर रहेंगे आप, परंतु अपने आदर्शों तथा न्याय के लिए अंतिम सांस तक लड़ेंगे। आप सभी में सामंजस्य स्थापित करने के गुण हैं। प्रत्येक कार्य को आसानी से कर सकते हैं, लोग व सिचुएशन के साथ आसानी से तालमेल बिठा सकते हैं। आप महल या झोपड़ी में एक समान रहेंगे। धन के प्रति मोह नहीं है, फिर भी भविष्य की चिंता बेचैनी पैदा करती रहेगी। इस कारण आप जीवन के अंतिम वर्ष यानी कि आपके लास्ट जो ईयर्स होते हैं जिंदगी के, उसके लिए सतर्कता से धन बचाकर रखेंगे। 5th और 23rd अक्टूबर को पैदा हुए लोगों के संबंध से भारी दुख उठाना पड़ सकता है। इनके संबंध इन्हें बांध कर रखेंगे। रिजल्ट इसका ये होगा कि अपनी योजनाएं और एम्बिशंस को पूरा करने में कठिनाई आएगी। पर्याप्त समय मिलने पर आप अच्छे राइटर और लिटरेरी एंथुसियास्ट भी बन सकते हैं। पोएट बनने के चांसेस भी ज़्यादा हैं। 14th अक्टूबर को पैदा हुए लोग हमेशा एनर्जेटिक और यंग एट हार्ट रहते हैं, और क्योंकि सोसाइटी ऐसे बिहेवियर को सपोर्ट नहीं करती है, इतनी ईजिली समझती नहीं है, ये लोग अपने लिए अलग ही इमेज बना लेते हैं। और ओल्ड एज में भी ये एक्टिव, फुर्तीले, फिट और यंगस्टर्स के चहेते नजर आते हैं। अगर बात की जाए आपकी आर्थिक स्थिति यानी कि आपकी फाइनेंशियल हेल्थ की, तो आप सलाहकार अच्छे हैं, यानी दूसरों के लिए सजेशंस, सलाह अच्छी देते हैं, पर जब खुद पे बात आती है तो वही सलाह सेम प्रिंसिपल्स और ट्रेन ऑफ थॉट्स को इस्तेमाल करने में आप नहीं कर पाते। 21 से लेकर 50 ईयर्स तक की उम्र तक भौतिक कार्यों से अच्छी इनकम प्राप्त हो सकती है आपको। इन्वेस्टमेंट तथा गैम्बलिंग में आपके विचार उपयोगी रहेंगे। आप कितना भी धन कमा लें, अपनी उदारता तथा जिम्मेदारियों के कारण बड़ी उम्र के लिए कुछ खास नहीं बचा पाएंगे। अगर हेल्थ की बात की जाए, सबसे बड़ी जमा पूंजी किसी इंसान की हेल्थ है, तो अर्ली एज में आपकी बॉडी ज़्यादा स्ट्रांग और वेल नरिश नहीं होती। स्लिम होने के बावजूद हमेशा कोई ना कोई बीमारी घेरे रखेगी। लाइफ टाइम पेट और डाइजेशन से तकलीफ बनी रहेगी। आपको निरंतर खाने पीने में सावधानी बरतनी चाहिए। आँख, चेहरे, हाथों तथा पैरों में अकड़न की तकलीफ हो सकती है। जीभ और मुंह में भी बीमारी का खतरा है, स्पेशली अगर आप टोबैको या उससे कोई भी रिलेटेड प्रोडक्ट्स को कंज्यूम करते हैं। बीड़ी हुआ, गुटखा हुआ, खैनी हुई, सिगरेट्स हुई, कुछ भी ऐसा होता है जो कि टोबैको से रिलेटेड, जो कि माउथ कैंसर या आपको लंग कैंसर दे सके, तो ध्यान रखिएगा, ये आपके लिए एक कॉशन या तो फिर एक तरीके से डेंजर साइन है कि आपको सबसे ज़्यादा चांसेस हैं ऐसी कोई भी बीमारी प्राप्त करने की। आपके लिए इम्पॉर्टेंट नंबर्स और डेट्स हैं 5th और इसकी सीरीज, साथ ही 6th और इसकी सीरीज भी आपकी लाइफ में इम्पॉर्टेंट साबित होंगी। लकी स्टोन्स में अगर बात की जाए तो डायमंड्स आपके लिए बहुत लकी हैं। कलर के अंदर जितना हो सके अपनी लाइफ में ग्रीन और इसके पैलेट के जितने भी शेड्स हैं वो आप आराम से इस्तेमाल करें, ये सभी के सभी शेड्स आपके लिए बहुत लकी हैं। आपके जीवन के महत्वपूर्ण वर्ष जो हैं वो आपको मेरे साइड में दिख रहे होंगे। आपका अट्रैक्शन यानी कि किसी के प्रति रुझाव आपका साल के किसी भी मंथ में 5th, 6th और 8th की सीरीज में जन्मे लोगों के प्रति ज़्यादा होगा। तो ये तो बात हुई 5 की। आइए अब बात करते हैं अंक 6 की, यानी कि अगर आपका डेट ऑफ बर्थ 6th ऑफ अक्टूबर, 15th ऑफ अक्टूबर या 24th ऑफ अक्टूबर को है तो हम आपकी बात कर रहे हैं। सबसे पहले जानते हैं कैसा होगा आपका व्यक्तित्व। आपके फ्रेंड्स की गिनती काफ़ी बड़ी है, जहाँ भी जाएंगे जहाँ भी रहेंगे फेमस बने रहेंगे। आपके व्यक्तित्व मैग्नेटिक और अट्रैक्टिव है। इसका पॉजिटिव इफेक्ट सबसे ज़्यादा ऑपोजिट जेंडर पर पड़ेगा। आप फन लविंग, दोस्तों के बीच में सबसे ज़्यादा खुश और आउटगोइंग हैं, जिसके कारण आप बहुत ही ज़्यादा स्पेंड करते हैं,
यानी खर्चीले हैं, फिर भी आपको फिजूल में खर्च करना नहीं पसंद, क्योंकि आप थोड़े से पैसे में ही ऐसी प्लानिंग या ऐसा एंटरटेनमेंट का साधन पा लेते हैं जो लोग बहुत पैसे होने पे भी नहीं कर पाते। आपके अफेयर्स भी ज़्यादा होंगे और शादी भी एक से ज़्यादा होने की संभावना है। साथ ही इन रिलेशंस में बहुत डिफ़िकल्टीज़, सैडनेस, फेलियर्स और अनएक्सपेक्टेड एक्सपीरियंसेस और एक्सीडेंट्स होने की संभावना ज़्यादा है। अपने हार्डवर्क के रिजल्ट से आप हायर पोस्ट भी अचीव कर पाएंगे, रिच, इन्फ्लुएंशियल और वेल मैनर्ड लोगों के बीच में भी आपका आना जाना बहुत अच्छा बना रहेगा। देखा जाए आपका इंटरेस्ट तो ड्रामा, म्यूजिक, जैज, ड्राइंग और पोएट्री, इन सब के अंदर आपका ज़्यादा इंटरेस्ट रहेगा। शायद आप खुद इन फील्ड्स में नहीं जा सके तो भी इनकी हेल्प और अपलिफ्ट ज़रूर करेंगे, उभरते हुए आर्टिस्ट को पूरी मदद प्रदान करेंगे। अगर आप चूज करते हैं खुद इस फील्ड में इन्वॉल्व होने का, तो भी आपको बहुत ज़्यादा सक्सेस मिलने के चांसेस हैं। बात की जाए आपकी फाइनेंशियल हेल्थ की, यानी कि आपकी फाइनेंशियली कैसी लाइफ होने वाली है, तो इन्वेस्टमेंट्स और फाइनेंशियल मैटर्स में आप लकी साबित होंगे। आपकी सिक्स सेंस बहुत स्ट्रांग है, जिसकी वजह से आप होने वाले लॉसेस को पहले ही भाप लेते हैं। फैक्ट्री या लार्ज स्केल प्रोडक्शन की अगर बात की जाए और पार्टनरशिप की, तो आप इसमें भी लकी साबित होंगे और काफ़ी ज़्यादा मुनाफा कमाएंगे। चैरिटी से भी जुड़े रहने के आपके डिसीजन जिंदगी के अंदर लेटर स्टेज में बन सकते हैं। बात की जाए आपके स्वास्थ्य की, तो इम्यून सिस्टम आपका बहुत स्ट्रांग है, इसके कारण जल्दी बीमारी कोई नहीं पकड़ेगी। सिर्फ स्क्रेप्स यानी कि खतरा है स्किन छिलने का, गिर करके जो स्किन छिल जाती है, कभी कोहनियों पे छिलती है, कभी गोड़ों पे छिल जाती है, वो होने के चांसेस ज़्यादा हैं। अर्ली एज में ज़रूर टॉन्सिलाइटिस यानी कि टॉन्सिल से परेशान ज़रूर रहेंगे। जीभ और गले के आधार में भी कुछ तकलीफ हो सकती है। आपके लिए इम्पॉर्टेंट डेट्स 6 से जुड़ी है। ये डेट्स हैं 6, 15 और 24। इनकी इम्पॉर्टेंस मई और अक्टूबर के महीने में और भी बढ़ जाती हैं। अपने व्यक्तित्व को प्रभावशाली बनाने तथा सौभाग्य वृद्धि के लिए सुनहरी, पीला, ऑरेंज, ब्राउन और नीले रंग के सभी शेड्स आप इस्तेमाल कर सकते हैं। डायमंड्स यानी कि हीरा, टोपाज, एम्बर और टर्कोइज, ये आपके लिए सौभाग्यशाली रत्न हैं। नोट कर लीजिएगा, डायमंड यानी कि हीरा, टोपाज, एम्बर और टर्कोइज, ये आपके लिए लकी साबित होंगे। पर तो भी पहनने से पहले जाने एग्जैक्टली आपकी कुंडली के अंदर अगर देखा जाता है तो कौन सा आपके लिए सूटेबल है। आपके जीवन के महत्वपूर्ण वर्ष आपकी साइड में डिस्प्ले किए जा रहे हैं और आपके अट्रैक्शन ईयर किसी भी साल के किसी भी महीने की 6, 15 और 24 तारीख को पैदा हुए लोगों के प्रति ज़्यादा होगा। तो ये तो हुआ 6 अंक के बारे में, आइए अब बात करते हैं अंक 7 की। तो जब बात की जाती है अंक 7 की, यानी कि मूलांक 7, 7 नंबर, तो हम बात कर रहे हैं उन जातकों की जो कि जन्मे हैं 7 तारीख को, 16 तारीख को और 25 तारीख को। 7th of October, 16th of October, 25th of October को अगर आप पैदा हुए हैं तो हम आपकी बात कर रहे हैं। सबसे पहले जानते हैं कैसा है आपका व्यक्तित्व। आपको गजब की फिजिकल स्ट्रेंथ प्राप्त है, यानी कि फिजिकली अगर स्ट्रेंथ स्टैमिना की बात की जाए तो आप में बहुत है। बैलेंस बनाए रखने के लिए किसी भी कैरियर में अपनी अलग पहचान बना सकते हैं। फिर भी इमेजिनेशन पर बेस्ड वर्क जैसे पोएट्री हुई, पेंटिंग हुई, ड्राइंग हुई और फाइन आर्ट से रिलेटेड कार्य करना ज़्यादा एप्ट और बेस्ट रहेगा आपके लिए। बहुत टैलेंटेड पोएट, राइटर तथा एक्टर थे, परंतु एप्रिसिएशन और एक्यूलेज वर हिज डाउनफॉल। उसे लगने लगा कि वह क्रिटिसिज्म से ऊपर है, रिजल्ट उसका संतुलन बिगड़ गया है, वह मुंह के बल नीचे गिरा, सारा मान सम्मान मिट्टी में मिल गया। 16 अक्टूबर को पैदा हुए व्यक्तियों के संबंध में संतुलन बिगड़ने का खतरा अधिक है। आप ध्यान रखिएगा, कभी भी क्रिटिसिज्म से खुद को ऊपर कभी नहीं सोचना। कोई भी जो भी सामने से क्रिटिक होता है, जो आपकी गलतियां अगर आपको बता रहे, उसको सुनिए, समझिए और नापिए, भापिए उस चीज़ को कि क्या ये सच है, क्या ये नहीं है। एक अकेले इंसान से सुनावा बात शायद गलत हो सकती है, पर जब एक से ज़्यादा लोग आपको एक ही चीज़ बताएं तो चांसेस हैं कि सही में कहीं पे कोई गलती है जो कि हमारे नज़रअंदाज की जा रही है। 17 अक्टूबर को पैदा हुए व्यक्ति बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होने के कारण कैरियर में आगे नहीं बढ़ पाते, और 25 अक्टूबर को पैदा हुए व्यक्ति बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल होते हैं।
ये रिस्क उठाने से भी नहीं घबराते। आप सभी की वर्किंग और वर्क एथिक अनट्रेडिशनल है, इस कारण क्रिटिसिज्म, ऑपोजिशन और स्कैंडल्स का सामना करना पड़ सकता है। बात की जाए मैरिज रिलेशनशिप और पार्टनरशिप की, यानी कि मैरिजेस की, रिलेशनशिप्स की और पार्टनरशिप की, तो इनमें प्रसन्नता प्राप्त नहीं की पाएगी। सितारों की स्थिति के कारण आप सभी को इस संबंध में अति सतर्कता यानी कॉशन बरतनी पड़ेगी। आपकी आर्थिक स्थिति के ऊपर बात की जाए, यानी कि आपकी फाइनेंशियल हेल्थ की, तो धन के मामले में लगातार उतार चढ़ाव बना रहेगा, जैसे कि जिंदगी में होना ही चाहिए। जैसे ECG ग्राफ में राइज और फॉल ही प्रूव करता है कि हम जीवित हैं, उसी तरह से जीवन में भी उतार चढ़ाव आने ही चाहिए। एक लेवल ऑफ एक्साइटमेंट बना रहता है, लड़ने की ललक रहती है इंसान में। कभी आपके पास सब कुछ होगा और कभी कुछ भी नहीं हो, ऐसी भी सिचुएशन आ सकती है, पर एक फाइटर बने रहना जिंदगी में बहुत इंपॉर्टेंट है। जितना हो सके गैम्बलिंग से दूर रहें, यह आपके लिए डाउनफॉल का सबसे मेन कारण रह सकती है। सावधानी न बरतने पर कोई व्यक्ति आपका धन लूट भी सकता है। आपके लिए गवर्नमेंट बॉन्ड्स में, यानी कि गोल्ड बॉन्ड्स हुए, उसमें इन्वेस्ट करना बहुत बेस्ट रहेगा। साथ ही ओल्ड एज के लिए कोई ना कोई ऐसी सोर्स ऑफ इनकम निकालिए जो कि कंटिन्यूस इनकम आपको प्रोवाइड करती रहे, ताकि आपकी ओल्ड एज के अंदर आपको प्रॉब्लम ना आए। बात की जाए आपकी सबसे बड़ी समा पूंजी की, तो आपका स्वास्थ्य है। आपको कई अजीबोगरीब अनुभवों से गुजरना पड़ेगा, कभी खाने के कारण तो कभी दुर्घटनावश, और कभी अपनी गलती से ही शरीर में पॉइजन यानी कि फूड पॉइजनिंग भी हो सकती है। किडनी, लीवर, अपेंडिक्स, इनसे भी तकलीफ बनी रहेगी। आपके लिए महत्वपूर्ण नंबर और डेट्स जो हैं वो हैं 2, 7, 11, 16, 20, 25 और 29। अपने सभी महत्वपूर्ण कार्य तथा मीटिंग्स इन्हीं डेट्स पर करने की कोशिश करें। जहां तक पॉसिबल हो इन्हीं घरों में रहने का प्रयास भी करें जिनका अंक इस श्रेणी में आता है। अपने व्यक्तित्व को प्रभावशाली यानी इम्प्रेसिव बनाने तथा सौभाग्य वृद्धि के लिए हरा, क्रीम, सफ़ेद रंगों का धारण करना आपके लिए सबसे बेस्ट रहेगा। हीरा, मोती और टर्कोइज आपके लिए सौभाग्यशाली रत्न भी है। आपके लिए महत्वपूर्ण वर्ष कौन सा है, यह आपको मेरे साइड में ज़रूर दिख रहा है। अब आपका अट्रैक्शन साल के किसी भी महीने में कौन सी डेट्स पे होगा वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। 3 को, 7 को, 11, 16, 20, 25, 29 और 1, 10, 19 को और 28 को पैदा हुए व्यक्ति के प्रति ज़्यादा होगा। तो ये तो बात हमने कर ली है अंक 7 की, आइए अब बात करते हैं अंक 8 के लिए। तो आइए अब बात करते हैं अंक 8 की, यानी कि अगर आपका डेट ऑफ बर्थ भी 8th ऑफ अक्टूबर, 17th ऑफ अक्टूबर या 26th ऑफ अक्टूबर को है, तो हम बात कर रहे हैं आपकी, यानी कि 8 अक्टूबर, 17 अक्टूबर और 26 अक्टूबर को। तो सबसे पहले आपका व्यक्तित्व कैसा है। बेसिकली आप इंटेलिजेंट हैं। बहुत लोग आपको ये शायद ना बताएं, पर आपका जो बेसिक ट्रेट है वो इंटेलिजेंस है। सोशल लाइफ की जगह आप पढ़ाई लिखाई में ज़्यादा रुचि रखते हैं। पुरुष अच्छे डॉक्टर, साइंटिस्ट और लॉयर बन सकते हैं। वहीं पे स्त्रियां, याद रखिएगा मैं स्त्रियों की जो बात कर रहा हूँ ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये जो चेंज ला सकती हैं वो सोसाइटी के लिए और वर्ल्ड के लिए एक्चुअल में सबसे बेस्ट है। तो ये टीचर्स होगी तथा सोसाइटी में चेंजेस लाने का काम करेंगी। हो सकता है NGO चलाकर या एक्टिविस्ट ग्रुप चलाकर लीडर बनकर अपनी बात देश विदेश तक पहुँचा सके, और इसी बारे में लिखना भी पसंद करेंगी। पब्लिक से जुड़े पॉलिटिकल मामलों में ज़्यादा इंटरेस्ट रहेगा। जनता के बेटरमेंट से रिलेटेड किसी कार्य से अपना पूरा जीवन अर्पण कर सकते हैं। पुरुष तथा स्त्री दोनों ही डिफिकल्ट और डिमांडिंग कैरियर्स अपनाएंगे। डिमांडिंग कैरियर इसका मतलब ये होता है जो कैरियर आपसे ना ही सिर्फ फिजिकली पर मेंटली भी डिमांड करे। आपका टाइम, आपकी फैमिली, सब कुछ वो आपसे दूर करता है। ऐसे डिफिकल्ट और डिमांडिंग कैरियर्स आप चूज़ करेंगे। दोनों को ही कैरियर के दौरान भारी विरोध का सामना करना पड़ सकता है। फाइनेंशियल मामले में भी काफ़ी डिफिकल्टीज फेस करनी पड़ेगी। यदि आप वेल ऑफ यानी धनी परिवार से जन्म नहीं लिए हैं तो तकलीफ का सामना करना आपको पड़ेगा ही। फिर भी पर्याप्त धन संपदा बटोरने की पूरी संभावना है। कमाए हुए धन को हॉस्पिटल बनाने में, साइंटिफिक रिसर्च में और साइंटिफिक रिसर्च को आगे बढ़ाने में या पॉलिटिकल कैंपेनिंग में, ऐसे असामान्य कार्यों में लगाना पसंद करेंगे आप।
आप सभी को भारी दुख तथा मानसिक तकलीफों से गुजरना पड़ सकता है। शनि इतना पावरफुल है कि आप सभी हायर पोस्ट तो प्राप्त कर पाएंगे, परंतु जीवन के अंतिम वर्षों में सब कुछ छिन भी सकता है। साथ ही आपका स्कैंडल अथवा बदनामीपूर्ण मामलों में घसीटा जाने की संभावना भी है। नौकरी में आपको मनपसंद स्थितियां मिल जाएंगी। रिजल्ट, आपका जीवन हैप्पीनेस से यानी कि खुशियों से भरा रहेगा। लोगों को आपके बारे में गलत फहमियां पैदा हो जाएगी, पर चुप रहने के कारण आप खुलासा पेश नहीं कर पाएंगे। आपको ये अपनी ट्रेट सबसे ज़्यादा पहले चेंज करने की ज़रूरत है। जहाँ पे कुछ गलत है, आपके ऊपर आरोप लगे हैं, आप उसको खुल करके सामने बताइए। नौकरी में पार्टनरशिप और अच्छे बिजनेस रिलेशंस टूट जाने की संभावना बहुत ज़्यादा है, और अधिकारियों से अगर आप जॉब करते हैं तो अधिकारियों से बुरा बर्ताव मिलने की भी संभावना है। अगर बात की जाए आपकी फाइनेंशियल हेल्थ की, फाइनेंशियल सिचुएशन की, तो विरासत में धन न मिलने पर आर्थिक मामलों में कठिनाइयां बनी रहेगी। यदि इनकम कमाने में सफल भी हुए तो बचाकर नहीं रख पाएंगे। जिम्मेदारियों के कारण कमाया हुआ धन बहुत जल्दी खर्च हो जाएगा। भविष्य के बारे में अत्यधिक बेचैनी बनी रहेगी। जीवन में अकेले होने पर धन को आप अजीब स्थानों पर छुपा कर रखेंगे, परंतु यह धन चोरी हो सकता है, इसका भी ध्यान रखें। सभी प्रकार के सट्टे तथा जुए से दूर रहें। साइंटिस्ट्स, डॉक्टर्स और लॉयर्स अगर इस रूप में भी अगर आप काम कर रहे हैं तो भी जो आपकी फीस है वो भी आपको कलेक्ट करने में कठिनाइयां हो सकती है। बात की जाए आपकी स्वास्थ्य की, तो आपका अधिकतर बीमारियां मानसिक हताशा का परिणाम होंगी, मतलब ओवरथिंकिंग की वजह से मेंटल इलनेस की संभावना ज़्यादा है। बीते हुए पलों के बारे में सोच सोच कर आप अपना स्वास्थ्य बिगाड़ लेंगे। स्वास्थ्य को मुख्य खतरा इसी निराशा से है। डिप्रेशन, जो कि एक बीमारी एक्चुअल में है, काफ़ी लोग उसे नज़रअंदाज करते हैं, पर डिप्रेशन एक्चुअल में एक बीमारी है जिसको कि सोच समझ के सही से ट्रीट करवाना चाहिए। ये एज देख करके, परिस्थिति देख करके कभी नहीं आती। ये बेसिकली किसी को भी कभी भी हो सकता है। इसके लिए किसी को बोलना कि सुबह उठ करके एक्सरसाइज कर लो या तो फिर दूसरी चीज़ों के बारे में सोचो, ये शायद सही तरीका नहीं है इस चीज़ को क्योर करने के लिए। तो आप सबसे एक छोटी सी विनती है, अगर आपको कोई ऐसा लगता है जो डिप्रेशन के थ्रू गुजर रहा है, उससे बात कीजिए, उसे समझिए, उसका मूड अपलिफ्ट करने की कोशिश कीजिए। ऑन द सेम टाइम ट्राई कीजिए कि वो एक सही डॉक्टर के पास में जाके सलाह ले सके, क्योंकि डिप्रेशन के लिए एक्चुअल में थेरेपिस्ट हैं जो कि आपकी इस पर्टिकुलर बीमारी को दूर कर सकते हैं। आपका स्वास्थ्य आउट ऑफ ऑर्डिनरी नेचर का है। खाना आसानी से नहीं डाइजेस्ट होगा। कब्ज, कमज़ोर लीवर और भारी सरदर्द की शिकायत बनी रहेगी। यदि संभव हो तो अधिक समय तक खुले स्थानों में रहें। डेली एक्सरसाइज करें, प्रॉपर डाइट्स करें और फ्रूट्स और वेजीज यानी वेजिटेबल का ज़्यादा उपयोग करें। अंक 4 और 8 आपके जीवन में बहुत अनएक्सपेक्टेडली आएंगे। आप अपने पर्सनल लाइफ में और प्रोफेशनल लाइफ में इसका इम्पोर्टेंस फील ज़रूर करेंगे। आप पाएंगे कि चाहे अनचाहे आप इन अंकों वाले घरों की ओर खींचते जा रहे हैं, यानी कि 4, 8, 13, 17, 22, 26 और 31। इन डेट्स पर पैदा हुए व्यक्ति भी आपके जीवन में महत्वपूर्ण रूप से आते रहेंगे। इन अंकों व तिथियों के बारे में तैयार व सावधान रहें। आपके लिए सौभाग्यशाली रत्न है काला हीरा यानी कि ब्लैक डायमंड, काला मोती और सभी गहरे रंग के पत्थर। आपके जीवन के जो महत्वपूर्ण वर्ष हैं वो आपको मेरे साइड में ज़रूर लिखे दिखेंगे। इसी के साथ में अंक 8 की भी बात हो गई, अब बात करते हैं अंक 9 के बारे में। अगर आपका डेट ऑफ बर्थ भी 9th of October, 18th of October, or 27th of October है तो हम बात कर रहे हैं आपकी। आप स्वभाव से उग्र व शीघ्र कदम उठाने वाले हैं। सीधी भाषा में कहा जाए तो आप जलते फटाके हैं, कभी भी कहीं भी फट सकते हैं। आप किसी भी बात का जवाब क्षण भर में दे देते हैं बिना सोचे समझे। आप अपनी रीजनिंग और मेंटालिटी की वजह से विरोधी तथा शत्रु बना लेते हैं। अपने विचारों का झंडा ऊंचा रखने की जिद में आपको प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ता है। इस स्वभाव पर नियंत्रण रखने तथा पॉलिटिक्स या डिप्लोमेसी अपनाने से जीवन आसानी से चलेगी। नेचुरल ट्रेड्स के कारण आप अच्छे वकील व वक्ता बन सकते हैं, परंतु अपने स्वभाव के कारण भयंकर क्रिटिसिज्म झेलना पड़ेगा आपको। परिणाम स्वरूप ये कैरियर भी तकलीफ से भर जाएंगे। आप सर्जन के रोल में अच्छी सक्सेस पाएंगे। आपकी बुद्धि प्रखर तथा नवीन विचारों को जन्म देने वाली है।
परंतु जिद्दी तथा अड़ियल स्वभाव के कारण भारी विरोध झेलना पड़ सकता है। बिजनेस में जाने पर आप बहुत उद्यमी बने रहेंगे, पर वहाँ भी कॉम्पिटिटर्स की तरफ से भारी एनिमिटी की आशंका है। आप बड़े बिजनेस और ऑर्गेनाइजेशन के प्रबंधक यानी मैनेजर के पद पर सफल रहेंगे, परंतु वर्कर्स की ओर से विरोध, हड़ताल तथा जीवन में अटैक की संभावना है। आपके लिए सरकार में महत्वपूर्ण पद पर काम करना बेस्ट रहेगा, वहाँ आपके प्रबंधक ने गुणों का पूरा उपयोग हो जाएगा। ऑपोजिट जेंडर की अगर बात की जाए तो ऑपोजिट जेंडर के लोग आपको और आपकी तरफ काफ़ी अट्रैक्ट भी होंगे, पर लव रिलेशनशिप में भी अनेक प्रॉब्लम्स फेस करने पड़ सकते हैं। रिजल्ट इसका चिंता और परेशानी बनी रहेंगी। जल्दबाजी के नेचुरल ट्रेड के कारण जल्दी से विवाह कर लेंगे आप। यह मैरिड लाइफ निरंतर झगड़े और डिफरेंस ऑफ ओपिनियन से भरा रहेगा। वैवाहिक जीवन में केवल बच्चों की ओर से संतोष आपको मिलेगा। बच्चे मानसिक रूप से अत्यधिक डेवलप होंगे। कारोबार में साझेदारी की अपेक्षा अकेले काम करने पर अधिक सफलता मिलेगी, तो इसमें मैं कहूँगा पार्टनरशिप को स्ट्रिक्ट नो है आपकी लाइफ में। अगर आपकी फाइनेंशियल हेल्थ यानी कि फाइनेंस की बात की जाए तो नॉर्मली आप धन के मामले में सफल ही रहेंगे। आपको अच्छे पद भी मिलेंगे, परंतु अधिक समय तक टिके नहीं रहेंगे, आप स्विच ओवर करेंगे जल्दी से। डिप्लोमेसी की कमी और जल्दी गुस्सा करने वाला आपका स्वभाव ही आपका शत्रु बन जाएगा। बेहतर होगा कि अपने स्वभाव पर नियंत्रण रखें। बात की जाए अगर आपके स्वास्थ्य की, आपकी सबसे बड़ी जमा पूंजी तो अर्ली एज यानी कि जब आप छोटे यंग थे उन वर्षों में आप नाजुक ही बने रहे थे। बुखार, गैस और खून में गड़बड़ी हो सकती है। रिजल्ट इसका यही है, अल्सर, नासूर और एंग्जाइटी आने की संभावना है। पर 21 वर्ष यानी कि 21 ईयर्स के जब आप उम्र पाएंगे तो उसके बाद स्वास्थ्य एक नया मोड लेगा। आप ग्रेजुअली स्वस्थ और जोशीले बने रहेंगे। आपके ऊपर आग, विस्फोट, दुर्घटना तथा जीवन पर हिंसक आक्रमण का अटैक का खतरा बना रहेगा। दांत, जबड़े और चेहरे व सिर की हड्डियों में चोट तथा जख्म की संभावना है। तो इसके लिए मैं आपको एक ही एग्जाम्पल दूंगा या आपको एक ही ओपिनियन दूंगा, मेरा एडवाइस दूंगा, जहां तक हो सके झगड़ों में पड़ने से बेहतर है जहां पे झगड़ा दिखे वहां से एक कदम पीछे हो जाए। जहां पे कॉम्प्रोमाइज़ की आशंका हो वहां पे कॉम्प्रोमाइज़ कर लें। आपका जो उग्र स्वभाव है उसको जितना हो सके चेंज करने की ज़रूर कोशिश करें, क्योंकि ये ना चेंज करने पर कहीं आपकी ज़िंदगी पर ही ना बनाए। 9 नंबर और इसकी सीरीज़ आपकी लाइफ में इम्पॉर्टेंट रोल निभाएगी। 9 के बाद 6 की सीरीज़ भी आपकी लाइफ में इम्पॉर्टेंट रहेगी। अपने सभी इम्पॉर्टेंट मीटिंग्स और वर्क आप शेड्यूल ट्राई करें 6, 9, 15, 18, 24 और 27 तारीख को ही करने का। अपने व्यक्तित्व को इम्पैक्टफुल बनाने और लक के लिए लाल तथा नीले रंग के सभी शेड्स कलर्स को धारण करें। रूबी, गार्नेट, ब्लडस्टोन, हीरा और टर्कोइज आपके लिए लकी रत्न है। आपके जीवन के महत्वपूर्ण ईयर्स आपको साइड में लिखे दिखाई दे रहे होंगे। आपका अट्रैक्शन किसी भी ईयर के किसी भी महीने की 6 और उनकी सीरीज में जन्मे लोगों के प्रति ज्यादा होगा। ये जो ट्रेड्स और स्पेसिफिक डेट्स के बारे में हमने जो बात की है इसका आप खास ख्याल रखें। इसी के साथ आज का प्रोग्राम समाप्त करता हूँ और आप सभी को दिवाली की पावन पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं भी देता हूँ मेरी पूरी टीम के साथ। आपके उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए हम बहुत जल्द दिवाली के लिए कुछ खास उपाय और विधि भी आपके साथ इसी चैनल पे शेयर करेंगे। साथ बनाए रखें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपको ये एपिसोड कैसा लगा अपने विचार और सुझाव कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। जल्दी ही अगले एपिसोड में मिलते हैं, तब तक आप सभी स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें, अपना, अपने पूरे परिवार का और खासकर बच्चों का खास ख्याल रखें। आप सभी को शुभकामनाएं और आपके आने वाले उज्जवल भविष्य की मंगलमय शुभकामनाएं आप सभी को देता हूं। नमस्कार और जय हिंद। दर्शकों, ये कुंडली है और इसमें लिखे नंबर साधारण नहीं बल्कि ग्रहों का एक माया जाल है। इस माया जाल में आपका वर्तमान, भूतकाल और भविष्य काल छिपा है और साथ में छिपा है आपके जीवन के सुख दुख का रहस्य। आपके जीवन में आई सभी समस्याओं के जिम्मेदार ये 9 ग्रह ही हैं। आपके दुखों और कष्टों का कारण और निवारण आपकी कुंडली में ही छिपा है। जरूरत है सिर्फ ऐसे विद्वान की जो इन 9 ग्रहों की भाषा को समझता हो।
ऐसे विद्वानों की श्रेणी में विश्व तंत्र ज्योतिष के संपादक पंडित कमल श्रीमाली जी का नाम प्रमुखता से लिया जाता है। यदि आप भी किसी समस्या से परेशान हैं और पंडित कमल श्रीमाली जी से अपनी समस्या का कारण और निवारण जानना चाहते हैं, तो हम बता रहे हैं आपको सीधा और सरल रास्ता। भारत के इन शहरों में आप पंडित जी से मिलकर अपनी समस्या का समाधान प्राप्त कर सकते हैं। और यदि आप भारत के किसी अन्य शहर में रहते हैं, तो पंडित जी से मिलने का एक बहुत छोटा सा प्रोसीजर है। इस प्रोसीजर को जानने के लिए आप हमारे इन नंबरों पर संपर्क करें।